5 लाख कर्मचारियों के परिवार को बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ सकती है। दिग्विजय सिंह सरकार को वनवास कराने वाले कर्मचारी ही अपने बुढ़ापे की पेंशन देने वाली सरकार को चुनेंगे। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर ओपीएस, न जात पर न धर्म पर वोट फॉर पेंशन नारा लगाते हुए खरगोन जिले के 2000 से अधिक 52 विभागों के एनपीएस कर्मचारी 300 से अधिक दो पहिया और 200 से अधिक चार पहिए वाहनों से पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के कसरावत पहुंचने पर समाज सेवी संस्थाओं एवं सर्व आदिवासी समाज द्वारा स्वागत किया गया एवं जगह जगह बैनर पोस्टर व झंडे लगाए गए। कसरावत कृषि उपज मंडी में विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों को जब सरकार बुढ़ापे में भीख मांगने को मजबूर करे ऐसी सरकार को नहीं चुनेंगे। न जाति न धर्म पर हमारा वोट पेंशन पर नारा बुलंद किया। देश में जातिवाद न धर्मवाद नहीं अब चलेगा पेंशनवाद। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए हमारी मध्य प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष राजकुमारी, नेशनल सेक्रेटरी नीरज प्रसिद्ध त्रिपाठी जी, हमारे जिले के प्रभारी। पंचायत का टिकट क्यों हो गया? ये सरकार का काम नहीं है क्या? इसीलिए निजीकरण कर देना है कि तुम लूटो, जितना लूटो, जब लूटो, आपदा को अवसर बनाओ, लेकिन चुनावी चंदा हमको दे दो कोई बात नहीं। इसीलिए निजीकरण के दर्द को समझना है हमारा भी बुढ़ापा से निकल। और मैं आपको बता रहा हूं, 3 बार मुख्यमंत्री जी गए दिल्ली प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि साहब दो तो निपट गए हैं, हमारी भारी है। लेकिन प्रधानमंत्री जो होशियार है कहते हैं निपटने दो, जब करने होगे तो 24 में अपना मामला तय करूंगा। पांजे में लड़ाई हुई है, संघर्ष करो। दिनेश भाई सही कह रहा हूँ, सही है। मामा भांजे की जब लड़ाई हुई है तो भांजा जीता है। तो आप भी याद कर लो, 4-5 महीने का समय है, आप तय करो। जिस तरह पुरानी पेंशन की हूबहू पेंशन की मांग की जा रही है, किस तरीके से लगता है क्या संभव है दे पाएंगे? देखिए, हमारा जो वचन पत्र बना है उस वचन पत्र में हमारे जो 5 प्रमुख बिंदु हैं उसमें एक प्रमुख बिंदु हमारा सरकार बनने के बाद जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उस स्कीम की बहाली करने का भी हमने वचन, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो एक लंबे समय से अपनी इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इतना लंबा समय प्रदेश की जनता ने भी और हमारे कर्मचारी साथियों ने भी वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार को देने का काम किया। 18 साल जो है इस मध्यप्रदेश में उन्होंने शासन किया, लेकिन इन 18 सालों में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मचारी साथियों का दोहन करने का काम हुआ, उनको भ्रमित करने का काम किया, उनको समय समय पर जो है उनको मूर्ख बनाने का काम किया और अपना उल्लू सीधा करके उन कर्मचारी साथियों के से किए हुए जितने भी उनकी जो मांगे थे उन मांगों को दरकिनार करके सरकार ने उनको। विधायक जी, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? देखिए, हमने जैसे मैंने कहा कि हमारी जो हमारा जो वचन पत्र है, वचन पत्र में हमारे जो बिंदु हैं उन प्रमुख बिंदु में ओपीएस भी हमारा एक प्रमुख बिंदु है और हम लोग इस सरकार बनने के बाद उसको लागू करने का काम किए। और जहाँ जहाँ देश में कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, हमने अपने जो वचन हम लोगों ने दिए थे उन वचनों को हमने पूरा करने का काम किया और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद हम हमारे अपने इस वचन को पूरा करने। विधायक जी, यहाँ मध्य प्रदेश में जो टेक्निकल इशू है वरिष्ठता के आधार पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे जो बिंदु है जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वचन, हमारा जो वचन पत्र बना है उसमें हमारा ओपीए शामिल है और इसको हम लोग इसको लागू करने का काम हम लोग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।